नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेके, जहां पर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लगभग 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ये, और दिया गया महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को, पर्टिकुलरली उनका जो नेवल डिवीजन है उनको दिया गया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सुइट यानी कि IADS बनाए जाएंगे। और ये जो IADS होंगे वो नेवी के जो आने वाले शिप हैं उन पे इक्विप किए जाएंगे। जहाँ तक बात है इस IADS सिस्टम को लेके, क्या ये महिंद्रा ग्रुप का ही है, तो इसमें अगर आप देखते हो ऑफिशियल स्टेटमेंट को तो वहाँ पे तो ये लिखा गया है कि इसको डेवलप किया महिंद्रा ग्रुप ने ही। लेकिन अगर आप आज से 6 साल पीछे जाते हो तो महिंद्रा ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया था UK की फर्म अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक के साथ। तो इन दो कंपनियों ने जो डील है वो साइन की थी, जिसके अंतर्गत कई सारे जो नेवल प्लेटफॉर्म है वो बनाए जाने थे, जैसे कि टॉर्पीडो हो गए, इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सुइट हो गया, माइन काउंटर मेजर इक्विपमेंट्स हो गए। तो कुछ इस तरह की जो ऑफरिंग है वो ये दोनों कंपनियां करने वाली थी भारत के लिए, और यहां से एक्सपोर्ट भी करने वाली थी बाहर, और इसलिए जो डील है वो साइन की गई है। सिंस यहां पे महिंद्रा के ऑफिशियल प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि हो सकता है कि जो IPR हो वो इनके पास हो, तभी आप जो कुछ ऐसा क्लेम है वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे IPR इनके पास है तब तो कोई इशू ही नहीं है, इसको आप एक अच्छा डेवलपमेंट कहोगे। IPR इनके पास अगर नहीं है तो फिर ये वही बात हो जाएगी कि जो भी आपके फॉरेन प्रोडक्ट हैं वो दूसरे रास्तों से आपके सिस्टम में आ जा रहे हैं, क्योंकि इनके IADS में जो भी सब सिस्टम है वो ऑलरेडी DRDO डेवलप कर चुकी है। उन सबको लेके हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस IADS में ये कुछ मुख्य एलिमेंट होंगे, जैसे कि टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर एरे, हल माउंटेड सोनार भी इसी में आ जाएगा, जबकि इन सबको हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है वो इन्हीं का ही रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो इनको हेल्प करता है कि आपके सोनार एरे में जितने एलिमेंट दिए गए हैं उन सब के सिग्नल को इंडिविजुअली देखने में, जिससे कि जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पे हाई रहेगी। और यहाँ पे आप सभी एलिमेंट से इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट में रहोगे तो कहीं के जो इंटीग्रेशन है वो भी यहाँ पे आसान रहेगा, जबकि यहाँ पे जो सिस्टम वो खराब हो जाते हैं तो उनको आप आसानी से रिप्लेस कर पाओगे। तो ऐसे कुछ जो एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये करने क्या जा रहा है कि जो भी आपके अंडरवाटर थ्रेट हैं उनको डिटेक्ट करेगा, प्रायोरिटाइज करके उनको न्यूट्रलाइज करने वाला है। यहाँ पे मल्टीपल सोनार का इस्तेमाल करके थ्रेट के बारे में जानकारी है वो प्रोसेसर को देगा, और एडवांस सॉफ्टवेयर होने की वजह से आप एक नेटवर्क में भी काम कर पाओगे। जैसे कि मान लो आपके 2 शिप हैं और दोनों पे ही यही एलिमेंट है IADS के, तो मान लो कोई थ्रेट एक के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, मतलब एक सोनार एरे के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो इनपुट होंगे वो आप शेयर कर पाओगे दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो बहरहाल ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म था अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पे इंडियन नेवी ने भी इसको प्रूव करके सेलेक्ट किया है। तो टेक्निकली जो कम्पिटिटिव बिड है वहाँ से होके ये गुजरा है, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे कुछ एज की बात करोगे तो यहाँ पे जो टोड सिस्टम होगा वो सिंगल इंटीग्रेटेड होगा, मतलब एक ही विंच से वो जुड़े होंगे। यहाँ पे इनको डिप्लॉय करने के लिए मैक्सिमम आपको 2% की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जहाँ पे जो आपके VDS हैं यानी कि वेरिएबल डेप्थ सोनार और जो आपके टोड एरे हैं इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, जो कि कन्वेंशनल VDA में उतना आपको देखने को नहीं मिलता है। उनको इंटरचेंज करना टोड एरे से आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे जो VDS की बॉडी है उसको चेंज कर दिया गया है, पहले ये बॉडी हार्ड बॉडी हुआ करती थी। अब बात करते हैं टोड एरे के बारे में, तो बेसिकली ये लो फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे, मतलब ये TLFS कैटेगरी में आएंगे, और ये यहाँ पे सक्षम होंगे जो भी टॉर्पीडो हैं उनके नोज को पकड़ने में। तो कुछ ऐसा आपको दिखता है टोड एरे। तो इसके एलिमेंट के बारे में हमने बात कर ली कि हल माउंटेड सोनार होगा, वेरिएबल डेप्थ सोनार होगा यानी कि VDS, टोड एरे होंगे जो अगला सिस्टम है, और टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है यानी कि TDS, बेसिकली एनिमी के टॉर्पीडो को भटकाएंगे। यहीं पे EAD लॉन्चर भी दिए जाएंगे, मतलब एक्सपेंडेबल अकॉस्टिक डिवाइस। ये एक प्री प्रोग्राम डिवाइस होती है जिसके पैटर्न को आप प्री प्रोग्राम कर देते हो, तो जिस तरह से भी एनिमी के टॉर्पीडो को आपको भटकाना होगा वैसे ही आप इसको प्रोग्राम कर दोगे। यहाँ पे सोनो बॉय भी दिए जाएंगे जो कि कई तरह के होने वाले हैं, बाईस्टैटिक और मल्टीस्टैटिक। वहीं पे जो ASW कंट्रोल होगा वो एडवांस यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो सिस्टम है ASW रोल में वो ऑटोमेटिक रहने वाले हैं, वहाँ पर ऑटोमेशन ज़्यादा होगा, चाहे वो टारगेट को पकड़ना हो, क्लासीफाई करना हो या उसको लोकलाइज करना हो, तो इस सभी में ऑटोमेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। तो कहीं ना कहीं आप जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी और जो ऑपरेटर पर बर्डन है वो कम होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हो तो आपके टारगेट को आपको दिखाने के लिए ये टारगेट को दिखाएगा ही मैप पे, प्लस वो टारगेट कहाँ से आ रहा है उसका जो पूरा ट्रैक है उसकी भी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने रख देगा। तो बेसिकली एक कॉन्स्टेंट टच में रहेगा जो भी ASW सेंसर है उनसे, प्लस जो कॉम्बैट सिस्टम है उसके साथ। यहाँ पे इसकी हेल्प से जो मिशन प्लानिंग है वो आसान होने जा रही है, जैसे कि ये सोनार कवरेज को कैलकुलेट करेगा और आपके सोनार के किस एरिया में एनिमी का जो सिस्टम है वो आता है और उसको आप कहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकते हो, वो सारी लाइन और कैलकुलेशन ये पहले ही तैयार कर लेगा। तो यहाँ पे ये जो काम है वो ज़्यादातर सभी सिस्टम करते हैं। ये एक्स्ट्रा क्या करने वाला है, अगर जो प्लानिंग हो गई है ट्रैक को लेके, इंटरसेप्ट को लेके, उसको ये इंटीग्रेट कर देगा कमांड टीम से। तो कुछ इस तरह के जो एडवांटेज है वो आपको मिलेंगे और कहीं की जो इफेक्टिवनेस है वो ऊपर जाएगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा वो साइज को लेके रहेगा। यहाँ पे सभी सिस्टम के जो साइज हैं वो कॉम्पैक्ट हैं और जो वेट है वो भी कम है। तो इस तरह के जो IADS हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन शिप्स पे ऑलरेडी हैं, इसको यहाँ पे महिंद्रा बना रही है।
प्रॉब्ली हो सकता है कि ये यूरोपियन सिस्टम का ही डेरिवेटिव हो, जहाँ पे जो आईपी है वो महिंद्रा के पास हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।